जेंटलमैन, मैं हूं आपका क्वेश्चन दोस्त रेहान और मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं वेलकम फैंटेसी। सो गाइस आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग आ चुके हैं ऐसे एक जगह, वो जगह बहुत ही लड़कों लड़कियों का ड्रीम होता है, सपना होता है, ड्रीम होता है। यस, यहां पे ड्रीम मिलता है। तो आज हम लोग चुके हैं चॉइस बाइक पॉइंट, ओके, और यहां पे मिलने वाला है सुपर बाइक्स। बात कर लेते हैं शॉप के ओनर से, जो जॉयस बाइक पॉइंट के ओनर है, ठीक है। तो ये हमारे हम लोग सिर्फ 600cc प्लस सुपर बाइक्स में डील करते हैं, नॉर्मल बाइक्स में नहीं डील करते हैं। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, वेबसाइट भी है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। कंप्लीट स्टॉक डिटेल्स और एक्टिविटीज सब आपको मेरा पेज में मिलेगा। और जो करंट स्टॉक्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में जानना है तो मेरा वेबसाइट को फॉलो कीजिए joysbikepoint.com। और मेरे पास बहुत सारा सुपर बाइक्स अवेलेबल है, जिसमें क्रूजर बाइक्स भी है, स्पोर्ट्स बाइक भी है, नेकेड भी है, ट्यूबिंग बाइक भी है, सब टाइप का बाइक्स है। सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड्स में हम लोग डील करते हैं। नॉर्मल बाइक के लिए प्लीज़ कॉल मत किया कीजिएगा, ये आपके लिए भी टाइम वेस्ट रहेगा, मेरे लिए भी। तो बाकी आप लोग बाइक का सिनेमेटिक देखिए, बाइक का डिटेल्स देखिए, कौन सा बाइक आपको अच्छा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। अच्छा भैया बोल रहे हैं कि कोई ईएमआई ऑप्शन भी होता है? हाँ, मेरे पास ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। यस बैंक से वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड बाइक्स एंड वेस्ट बंगाल, अभी कोलकाता जो कस्टमर्स है, जो कोलकाता से 85 किलोमीटर रेडियस में जो कस्टमर है, उन लोग के लिए अभी मेरे यहाँ से फाइनेंस हो जा रहा है। उसमें बाहर का भी वेस्ट बंगाल कस्टमर्स है, उन लोग का भी ईएमआई हो जाएगा। उन लोग के लिए, उन लोग का जो एरिया है, वो एरिया के सामने जो येस बैंक का बैंक है, वो उसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मेरा कोर्ट में, वहाँ से फाइनेंस आपका मिल जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक मॉडल में बोलता है तो वो अरेंज करवा दोगे? हम लोग सब मॉडल अरेंज करा देते हैं। अगर लोअर सीसी मतलब 600-800cc में गाड़ी, हम लोग सिर्फ WB नंबर बाइक में डील करते हैं। ये नंबर बाइक अगर इंडिया अभी हम लोग WB में अवेलेबल नहीं है, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा WB में अवेलेबल होने के लिए। अगर आपको अदर स्टेट नंबर भी बाइक चलता है, कोई हायर सेगमेंट बाइक, तब भी हम कभी भी बोलिएगा, मैं अराउंड 10 डेज में अरेंज करा दूँगा। सो गाइस अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कौन कौन सा बाइक अवेलेबल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस स्टार्ट करने सबसे पहले सुपर स्पोर्ट्स बाइक से, तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले आ चुका है BMW S1000 RR Pro। ये मैन्युफैक्चरर है अप्रैल 2018 एंड रजिस्टर्ड है अक्टूबर 2018 में। बाइक सिंगल ओनर होने वाला है गाइस, 13,172 किलोमीटर तक ये चल चुका है। नए का प्राइस आप लोगों को 28 लाख के आसपास देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्राइस होने वाला है 17 लाख ओनली। तो गाइस नेक्स्ट बाइक आ चुका है BMW S1000 RR STD ग्रे कलर में। ये सेम बाइक होने वाला है बट इसका कलर अलग है गाइस, और ये मैन्युफैक्चर है फरवरी 2022 को, रजिस्टर हुआ है मई 2022, और ये सिंगल ओनर होने वाला है गाइस। 7,100 किलोमीटर ये चल चुका है। नए का प्राइस होने वाला है 26 लाख के आसपास और यहाँ आप लोगों को जॉइस बाइक पॉइंट में ये 20,70,000 का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं BMW का एक और मॉडल जिसका नाम है BMW HP4। गाइस तो ये मैन्युफैक्चर हुआ है 2014 में, रजिस्टर भी है 2014 में, सिंगल ओनर का होने वाला है और सिर्फ ये चला है 14 किलोमीटर। प्राइस इसका होने वाला है 48 लाख ऑन रोड। बाइक काफी खूबसूरत होने वाला है, स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं है, कंडीशन आप लोग देख सकते हो एकदम ऑल न्यू है। सो गाइस बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि होने वाला है स्ट्रीट नेकेड के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं डुकैटी से। सो गाइस देख लो, डुकैटी का ये एक वर्जन होने वाला है स्ट्रीट फाइटर V4, जो कि गाइस काफी खूबसूरत रेड कलर में आने वाला है। ये मैन्युफैक्चर है 2018 एंड रजिस्टर है 2019 को। बाइक सेकेंड ओनर होने वाला है गाइस और ये चला है सिर्फ और सिर्फ 1900 किलोमीटर। जो प्राइस होने वाला है गाइस वो है 17,99,000 ओनली।
सो गाइस नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं जो कि है सुजुकी GX S750। जैसे देख सकते हो आप लोग ये ब्लू कलर में होने वाला है, ब्लू ब्लैक का टोन है और ये मैन्युफैक्चर्ड है 2018 को, रजिस्टर है 2019 को। सेकेंड ओनर बाइक होने वाला है गाइस 16,670 किलोमीटर ये सिर्फ चला हुआ है। प्राइसिंग काफी कमाल का होने वाला गाइस जो कि है 6,25,000 ऑन रोड। सो बढ़ते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ जो कि है क्रूजर बाइक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ली डेविडसन के स्ट्रीट 750 से। सो देख लो ये कितने खूबसूरत रेड कलर में आने वाला है गाइस। ये मैन्युफैक्चरर 2015 में, रजिस्टर हुआ है 2016 में, सेकंड ओनर का बाइक होने वाला है ये गाइस। 6,500 किलोमीटर तक ये चल चुका है। तो प्राइस होने वाला गाइस वो है 2,99,000 ऑन रोड। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ जो कि है हार्ले डेविडसन आयरन 883। ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 2017 में, रजिस्टर भी हुआ है 2017 में, सिंगल ओनर का बाइक होने वाला है ये भी गाइस। 4000 किलोमीटर तक ये चल चुका है और इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 6,25,000 ऑन रोड। नेक्स्ट मॉडल होने वाला है गाइस हार्ली डेविडसन का आयरन 883 ABS वर्जन। जैसा आप लोग देख सकते हो ये फुल्ली ब्लैक कलर में क्या ही कमाल लग रहा है। ये होने वाला है मैन्युफैक्चर 2018 में, रजिस्टर हुआ है 2019 में, सिंगल ओनर का बाइक होने वाला है गाइस और 4500 किलोमीटर तक ये चल चुका है। प्राइस काफी ऑसम होने वाला है जो कि है 6,99,000 ऑन रोड। अब आप लोगों को दिखाते हैं हार्ली डेविडसन का स्ट्रीट बॉब। ये बाइक आपने काफी मूवीज वगैरह में देखा होगा, हीरो वगैरह को चलाते हुए, एक्शन करते हुए, हीरोइन को बचाते हुए, बट इस वीडियो में आप लोगों को इसका प्राइस पता चलने वाला है गाइस। जैसे आप लोग देख सकते हो ये फुल्ली ब्लैक कलर में आने वाला है और काफी ऑसम इसका लुक लग रहा है। ये मैन्युफैक्चर है 2015 में, रजिस्टर्ड हुआ है 2015 में, सेकेंड ओनर का ये बाइक होने वाला है गाइस और 24,000 किलोमीटर तक ये चल चुका है। प्राइस जो इसका होने वाला है वो है 5,75,000 on the road with all accessories। सो नेक्स्ट बाइक दिखा देते हैं गाइस आप लोगों को जो कि है ट्रायम्फ स्पीड मास्टर। ये ब्लैक क्लासिक लुक में आने वाला है गाइस। ये मैन्युफैक्चरर 2018 में, रजिस्टर हुआ है 2020 में, सेकेंड ओनर का बाइक होने वाला है गाइस। ये 15,727 किलोमीटर तक ये चल चुका है और जो प्राइस होने वाला है इस बाइक का वो है 7,99,000 ऑन रोड। अब आ जाते हैं गाइस क्रूजर के लास्ट मॉडल में जो कि है सुजुकी इंट्रूडर M1800 बॉस मॉडल। जैसा आप लोग देख सकते हो ये ब्लैक एंड ब्लू के मिक्स कलर में आने वाला है। ये मैन्युफैक्चरर 2016 में, रजिस्टर हुआ है 2016 में, सिंगल ओनर बाइक होने वाला है गाइस और ये चला है 14,900 किलोमीटर तक। प्राइस जो इसका होने वाला है वो 8,50,000 ओनली। अब आप लोगों को दिखा देते हैं एडवेंचर टूर बाइक जो कि होने वाला है सुजुकी V-Storm 650 VS6 वर्जन। ये ब्लैक एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में आने वाला है। ये मैन्युफैक्चर है गाइस 2021 को, अनरजिस्टर्ड बाइक है। जो इसे परचेस करेगा वो फर्स्ट ओनर होगा इसका। इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 9,00,000 रुपीज ऑन रोड। सो गाइस फाइनली आ चुका है जिसका आप लोग पे सर्विस इंतजार कर रहे थे, सबका चरित्र, सबका प्यारा सुजुकी हायाबुसा। आप लोग बोल सकते हो ये तरह का सबका ड्रीम होने वाला है गाइस। ये व्हाइट कलर में आप आने वाला है, आप लोग देख सकते हो। मैन्युफैक्चर है ये 2018 में, रजिस्टर हुआ 2019 में, सिंगल ओनर का बाइक होने वाला है गाइस। ये 5,900 किलोमीटर तक ये चल चुका है और जिसका प्राइस होने वाला है वो है 13,00,000 ओनली। सो गाइस होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना और जॉयस बाइक को हमें जरूर विजिट करना। तो भैया कुछ बोल दीजिए हमारे ऑडियंस को। पहला बात है जो आप लोग बाइक देखे अभी तक, आपको कौन सा बाइक अच्छा लगा और आपको ये छोड़ के भी कोई बाइक आपको डिमांड में है तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिए। और आपका चाहने वाला फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल कहीं पर भी अगर किसी का नीड्स है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, बाइक का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइएगा तो आपको ऐसे वीडियो और दिखेगा। अगर कोई हमारे चैनल से आता है स्पेशल तो उसके लिए क्या, अगर आप चैनल से आता है चैनल का नाम बोलिएगा तो मैं कोई स्पेशल डिस्काउंट कर दूंगा। तो गाइस मैं बाइक पॉइंट में विजिट करो, आपको अगर स्पोर्ट्स बाइक में इंटरेस्ट है लेना चाहते हो तो आपको हर के डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में।